व्हाट्सएप पर हाई क्वालिटी में वीडियो कॉल कैसे करें। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप व्हाट्सएप पर किसी को वीडियो कॉल करते हैं तो क्वालिटी जो है वीडियो की वो काफ़ी डाउन चली जाती है, जिसको हम लो क्वालिटी प्रॉब्लम भी बोलते हैं। बाय द वे, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी आज से जो है HD क्वालिटी में वीडियो कॉल कर पाएंगे एंड जो सामने पर्सन है उसकी जो क्वालिटी होगी वीडियो की वो काफ़ी प्रॉपर देखने को मिलेगी। एंड हालांकि सभी लोग जो है वीडियो कॉल तो करते हैं बट वहाँ पे जो क्वालिटी एक्चुअल में मिल रही होती वो इतनी ज़्यादा बेटर नहीं होती, बट फिर भी लोग वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके वीडियो कॉल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि यार जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रही है किसी कारण। बट डोंट वरी एट ऑल, मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसको आप अपनाई करें अपने किसी भी फ़ोन पे, एंड वो व्हाट्सअप पर ही है, आपको करनी है। उसके बाद आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि जो क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक इवन 100% तक इम्प्रूव मिलेगी आपको। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओ अपने फ़ोन की सेटिंग्स के ऊपर। उससे पहले आपको व्हाट्सअप पर ही जाना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम व्हाट्सअप को ओपन करेंगे, देन आपको यहाँ पे सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के लिए तीन डॉट्स पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से अकाउंट प्राइवेसी अवतार जो भी है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो स्टोरेज एंड डेटा करके एक ऑप्शन मिलती है, इसके ऊपर आप टैप ऑन करेंगे। जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेटवर्क यूसेज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देख पाएंगे कि आपका जो इंटरनेट है वो कहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, वीडियो कॉल या फिर मीडिया या फिर गूगल ड्राइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो कॉल पे एंड कॉल्स पे जो है मेरा इंटरनेट खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलती है जो कि अक्सर लोग जिसको इनेबल करके रखते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है? वो है कि यूज़ लेस डेटा फॉर कॉस्ट। तो ये कह रहा है कि अगर आप जो है अपने मोबाइल का डेटा बचाना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर दो। अगर तुम इसको इनेबल कर देते हो ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका डेटा कम खाएगा और यहाँ पे जो क्वालिटी है वीडियो की वो काफ़ी डाउन कर देगा। नॉट ओनली वीडियो कॉल, और ये सिर्फ आपकी वीडियो कॉल पर ही फ़र्क नहीं डालेगा बल्कि आपकी जो फोटो वीडियो है जो भी आपको चैट्स में मिलती हैं उसके पर भी क्वालिटी डाउन कर देगा। तो अगर तुम अपने मोबाइल फ़ोन का डेटा बचा रहे हो तो इसको टर्न ऑन करने का कोई फायदा नहीं है, इससे कोई आपका ज़्यादा MB डाटा नहीं बच जाएगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा और आपकी जो क्वालिटी वो काफ़ी डाउन चली जाएगी अगर आप इसको इनेबल रखते हो। तो इसको आप ऑफ कर दो, ये कह रहा है कि आपका मोबाइल का डेटा कम यूज़ होगा इसलिए आप इसको इनेबल कर दो। तो हमें भाई इतना डेटा नहीं बचाना, कम से कम हमारी जो क्वालिटी है व्हाट्सअप की वो बढ़िया आनी चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलती है व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा, आपको यहाँ पे जो है सभी को अलाउ कर दो, ठीक है, ओके कर दो। एंड उसके बाद दोस्तों व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, तो यहाँ पे ऑल मीडिया कर दो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा व्हेन रोमिंग, तो इसको भी आप चाहें तो इनेबल कर दो, चाहे इसको आप कैंसिल कर दो। अब बैक करो, अब बैक करने के बाद तुम्हें क्या करना है, अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स पे जाना है, ठीक है? सेटिंग्स पे जाने के बाद तुम्हें यहाँ पे इस तरीके से एप्लीकेशन सर्च करो, ऐप्स, ओके? तो यहाँ पे आप ऐप्स लिखेंगे इस तरीके से, चलो यहाँ पे इसको बैक कर दो, ऐप मत लिखो, आप बैक करो। आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली प्रेस एंड होल्ड करो एंड इसकी आपको जो क्या करना है ऐप इन्फॉर्मेशन पे जाओ एंड यहाँ से आप चेकआउट करेंगे कि आपकी जो है स्टोरेज पे जाके जस्ट एक टाइम जो है क्लियर कैच कर दो एंड देन डेटा करना है। डेटा मत करना, सिर्फ क्लियर कैच करो, डेटा करोगे तो आपका लॉगआउट हो जाएगा व्हाट्सअप। अब बैक करो, अब तुम्हें क्या करना है यहाँ पे चेकआउट कर लेना कि आपकी जो रीसेंट एप्लीकेशन है, जैसे कि यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में कितनी सारी एप्लीकेशन ओपन हुई हैं। तो बैकग्राउंड में आपको ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं रखनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में जो है 3-4 एप्लीकेशन ओपन है जो कि बिल्कुल सही नहीं है, आप उनको इस तरीके से बैक कर दो, कट कर दो। तो आपको पूरा ही यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देना है फोन को। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जब आप वीडियो कॉल करने जा रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, आपको जस्ट फॉर 5 सेकंड के लिए यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको जो है 5 सेकंड के लिए अपने फोन का फ्लाइट मोड टर्न ऑन। जी हाँ गाइस, जस्ट फॉर 5 सेकंड के लिए आपको फ्लाइट मोड टर्न ऑन करना है अपने मोबाइल फोन का एंड उसके बाद दोस्तों आपको ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद एक और चीज़ चेक करना कि आपके मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट भी होना चाहिए, देख लेना कि भाई कहीं आपने 100% इंटरनेट तो नहीं ख़त्म कर दिया है। कई बार हम अपना YouTube शॉर्ट या फिर करने की रील्स देखते देखते अपना 100% इंटरनेट खत्म कर देते हैं, उसके बाद हमें KB में स्पीड मिलती है। अगर उस वाले नेटवर्क पे जाके तुम अपना वीडियो कॉल कर रहे हो ना तो क्वालिटी वाकई में तुम्हें अच्छी नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको जाना है प्ले स्टोर पर एंड यहाँ से आपको टाइप करना है व्हाट्सअप। तो आप जैसे यहाँ पे व्हाट्सअप टाइप करेंगे इस तरीके से इसको चेकआउट कर लेना, कोई अपडेट आई है व्हाट्सअप के ऊपर तो अपने व्हाट्सअप को आपने अप टू डेट भी कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, अगर नहीं आई है अपडेट तो कोई बात नहीं, अगर आई है तो उसको अपडेट डेफिनेटली करो। बट मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि जब मैं अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करके वीडियो कॉल करता हूँ तो मुझे क्वालिटी बेटर मिलती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि तुम्हारे पास जो नेटवर्क है वो बढ़िया होना चाहिए। अब चाहे देखो कई बार नेटवर्क लो हो जाते हैं तो भी आपकी क्वालिटी डाउन चली जाएगी अगर तुमने होस्टपोर्ट इनेबल किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये किसी को भी होस्टपोर्ट शेयर कर रहे हो यानी कि अपना इंटरनेट दे रहे हो कि भाई कनेक्ट कर ले मेरे वाईफाई से यानी कि होस्टपोर्ट से, तो मत करो। उससे क्या होगा, अगर कर रहे हो तो करो बट उस दौरान आप वीडियो कॉल करेंगे तो क्वालिटी डाउन चली जाएगी क्योंकि आपका इंटरनेट वहाँ भी जा रहा होता है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है? कुल मिला के मेन जो है आप नेटवर्क सही रखो और यहाँ पे अगर वाईफाई है तो उससे कनेक्ट कर लो फोन को। अगर किसी का होस्टपॉट से कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे कि किसी के साथ वीडियो कॉल करनी, तो कोशिश करो अगर किसी के फ़ोन का नेटवर्क अच्छा है तो उसका जो है आप होस्टपॉट ऑन करवा के अपना वाईफाई कनेक्ट कर लो, तो ये भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो है आपने ध्यान रखनी जो मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको डेफिनेटली यहाँ पे क्वालिटी जो है बेटर मिलने वाली है क्योंकि जितने भी पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं वो आप ध्यानपूर्वक जो है अप्लाई कर लेना, आपको 100% बढ़िया ही क्वालिटी मिलेगी व्हाट्सअप पर। तो क्योंकि बहुत से लोग जो गलतियाँ करते रहते हैं, वीडियो कॉल लगा देते हैं एनी टाइम, वहाँ पे जो है ये सब चीज़ें देख लेना, उसके बाद तुम रिजल्ट देखना, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।